साइबर सिटी गुरुग्राम में गुरुवार को एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। घटना गुरुवार के उल्लावास की है, जहां सुबह सुबह 4 मंजिला इमारत अचानक ढेर हो गई, जिसमें 8 लोग 4 मंजिला इमारत के मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें बचाने का कार्य जारी है। बुलडोजर की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि मलबे के नीचे फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। यहाँ उल्लावास ग्राम में एक सुबह लगभग 5:15 बजे खबर आई कि एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। उसमें कुछ लोगों के अभी मलबे के अंदर होने की संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत यहाँ की जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, पुलिस और सिविल डिफेंस और फायर ने रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद में घोंडसी में स्थित SDRF को भी यहाँ पर बुलाया गया। सुबह से वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कार्यरत हैं। और दिल्ली के द्वारका और गाज़ियाबाद से जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैं, उनकी भी 2 कंपनीज आ चुकी हैं और रेस्क्यू का काम जोरों पर चल रहा है। देखिए, क्योंकि ये लगभग 4 मंजिला बिल्डिंग थी, तो इसमें लेंटर की काफ़ी लेयर हैं, उनको क्रॉस करके नीचे जो फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। समय अभी नहीं बताया जा सकता कि कितना समय लगेगा, परंतु कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा पाएँ। क्या वजह बताया जा रहा है सर? देखिए, प्राइमा फेसी तो लगता है कि एक अनसेफ बिल्डिंग थी, परंतु डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद ही पता सकता है कि इसकी क्या रियल कारण थे जिस वजह से इस बिल्डिंग को। इसमें कुछ परिवार रहते थे जो यहीं गुरुग्राम में काम करते थे। उनमें से जो लोग, जिन परिवार वाले बाहर थे उस समय, जिस समय इमारत गिरी, उनके द्वारा ही बताया गया लगभग 7 से 9 लोग इसमें होने की संभावना है। और जो जिस पार्ट में अभी समय इमारत में कार्य हो रहा है, जैसे आप देख भी रहे हैं, लोगों के बताने पर ही वहीं पर ही इस समय देखकर लेंटर क्रॉस करके जो जितने भी लोग बच पाएंगे उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो इसमें कुछ बच्चे या महिलाएं भी? इसका कह पाना अभी बहुत पुष्टि नहीं की जा सकती। जैसे ही टीम हमारी लोगों तक पहुंचेगी, इसमें हमने अपने स्निफिंग डॉग्स भी एक्शन में लिए हैं और NDRF और SDRF की दोनों टीमें कार्यरत हैं। सर, महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं इसमें? अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। सर, मकान मालिक का? हाँ, मकान मालिक यहीं इस गांव का रहने वाला है और उससे बात कर रहे हैं। जैसे ही जो भी कारण रहेंगे आपके सामने हम रखेंगे। हरियाणा फायर सर्विस के कर्मचारी उस जगह से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं जहां लोग दबे हैं। 5:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली थी कि उल्लावास गांव में किसी मकान गिरने से कुछ कैजुअल भी दबी हुई हैं। हमने अभी अपने चारों स्टेशनों से अपने जवान और गाड़ियां मौके पे भेजी हैं। उसके साथ ही मैंने सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज हैं मोहित शर्मा जी, उनको फ़ोन किया और उनके मार्फत हमने यहाँ पे SDRF और NDRF को भी सूचित किया गया है। NDRF की टीम पहुँच रही है हमारे, और पुलिस विभाग के जवान राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। ये कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह की थी जो सर्दी की वजह से पूरा सेट ना होने के कारण लोड बढ़ने की वजह से उसके गिरने की संभावना है। और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? अभी हमारे पास जो लोगों के बताए अनुसार जो है 4 से 5 आदमियों के दबे होने की संभावना है। अभी तक कोई ठिकाना लगाया है सर? अभी नज़दीक पहुंच रहे हैं, मलबा हटा के रास्ता बनाया जा रहा है और बहुत जल्द हम कैजुअल्टी तक पहुँचने का प्रयास। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के उल्लावास गांव में सुबह करीब 5 बजे 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक गिर गई, जिसमें करीब 8 लोग रह रहे थे, जो कि फिलहाल मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। वहीं मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच लोगों को निकालने में जुटी हैं।